नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं यहां पे आज उपस्थित एक खास तौर से एक नया अपडेट आपके लिए लेके आए, जिसकी डिमांड कई दिनों से स्टॉक्सो के पास आती थी, यानी एल्गो बाबा टीम के पास कॉन्स्टेंटली इसकी रिक्वायरमेंट आती थी, जहां पे यूजर एक्सपेक्ट करता था कि मल्टीलैंग मॉड्यूल में उन्हें ये फीचर दे दिया जाए। तो देखना चाहते हैं आप कि क्या है वो फीचर, तो चलिए हमने एक पोर्टफोलियो आपके लिए बना रखा है, तो मैं यहाँ से इसी को ओपन कर दे रहा हूँ एडिट करके, ठीक है। आप ऐड पोर्टफोलियो से भी कर सकते हैं, आप यू विल जस्ट लव दिस। यानी कि अब तक स्टॉक्सो के मॉड्यूल में आपको ऑप्शंस खाली मिलते थे ई सेल सी सेल पी, लेकिन अब आप हेजिंग कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर्स के साथ उसे जोड़ना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सेल सी ई कर रखा है एंड एक बाय फ्यूचर कर रखा है। अगर मुझे बाय भी कर देना है तो मैं बिल्कुल, एंड सेल फ्यूचर कर देना है तो बिल्कुल। तो मान लीजिए मैं एक चार्ट पे चला गया, अब ये मेरा अंदाजन है कि यहाँ पे मुझे एक सेल सिग्नल मिला है और अब मैं इसे एक्टिव कर दूँ, ठीक है ना। तो मैंने टाइम बेस्ड यहाँ पे रखा हुआ, बड़ा सिंपल है, जैसे आप मल्टी लेग करते थे, बस आपको एडवांटेज अब ये हो गया कि अब आपको एक फ्यूचर्स की भी फील्ड उसमें मिल जाती है, जिससे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक फ्यूचर ऑन एक ऑप्शन का लेग एग्जीक्यूट हो गया है। तो मैंने किया क्या है, एक सीई को सेल किया है और एक फ्यूचर्स को हमने बाय किया है, ठीक है ना। तो हमने बहुत बढ़िया पोजीशन साइजिंग एक कर रखी है, ठीक है, ताकि हमें मिनिमलिस्टिक लॉस हो। यानी अब क्या हो जाता है दोस्तों, फ्यूचर्स आने से मल्टी लेग से इसके बहुत सारे फायदे हैं। मान लीजिए अगर हम कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स या हमारा कोई भी एनालिसिस हो ओआई बेसिस पे, कुछ भी हो, तो हमारी पोजीशन साइजिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे सेल अगर बन रहा है तो मेरा करंट ट्रेंड, मैं सेल पे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, यानी मैंने अगर एक फ्यूचर सेल कर दिया, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी एक रिस्क मैनेजमेंट की पोजीशन साइजिंग ऑफ द सीई बाय और ऑफ द पीई सेल की पोजीशन ले सकता हूँ एट द बैक एंड, ताकि मैं एक कंट्रोल्ड वे में और एक मोर सेफ गार्डेड वे में काम कर सकूँ। तो अभी तक स्टॉक्सो के ऑप्शंस मॉड्यूल में आपके पास ये लिमिटेशन थी कि यहाँ पे मल्टी लेग मॉड्यूल में सिर्फ आप ऑप्शंस की लेग ऐड कर पाते थे, यानी बाय सी बाय पी होता था, ठीक है, लेकिन अब आप फ्यूचर्स भी ऐड कर सकते हैं। आपको इस मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस भी हैं। तो ये मॉड्यूल हम एक हफ्ते से करीब इसे टेस्ट कर रहे थे एंड सीम्स टू बी वर्किंग रियली वेल, एंड आपके डेस्क पे ये नेक्स्ट 48 आवर्स में हमें उम्मीद है कि हम इसे रोल आउट कर देंगे। तो मज़ा आएगा दोस्तों अब स्टॉक्सो के साथ और काम करने में। और जैसा आप सब जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ जब नई आती है, आपको उस पर शंका है या आपको कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल लाइव ट्रेड सिमुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड रिस्क फ्री टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप लाइव यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ एनी फीचर, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी little cautious, although everything is intact, everything is being taken care of, but थोड़ा सा cautious होके नए feature का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको हमारे ये नए efforts पसंद आए होंगे एल्गो बाबा टीम के। एंड आपको एक और चीज़ बतानी है, कई यूजर्स की ये रिक्वायरमेंट रहती थी, although ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया है बेसिकली ये हेल्प डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, जो पहले आप यहाँ सेटिंग से करते थे। कई बार यूज़र ना यहाँ पे ढूंढते थे, उन्हें समझ में नहीं आता। देखिए हर टाइप के यूज़र होते हैं, कुछ थोड़े से एमेच्योर होते हैं जिन्हें हर चीज़ सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देती, कुछ होते हैं कि जहाँ पे वो एक्सप्लोरर्स होते हैं कि वो खुद से थोड़ा बहुत ढूंढ के निकाल लें, ठीक है, और कुछ होते हैं एडवांस जिन्हें कुछ बताना ही नहीं पड़ता, वो तो भाई अपने आप ही सब चीज़ करके निकल लेते हैं आगे, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन मार्क का ये जो बटन है, ये आपको इजीली एक हेल्प डॉक्यूमेंट एक्सेस दे देगा, इसलिए हमने इसको फ्रंट पे लिया है। दूसरा सवाल कुछ यूज़र्स का रहता है कि ब्रोकर अकाउंट कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होंगी, तो यहाँ यूज़र सेटिंग्स पे ना हमने हेल्प बटन दे रखा है। आप जैसे ही ये क्लिक करेंगे आपको तमाम ब्रोकर्स के कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो आप उसका इस्तेमाल करें। रिसेंटली ही हमने काफ़ी नए ब्रोकर्स भी इंट्रोड्यूस किए और आप जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उनका इस्तेमाल कर भी रहे। तो स्टॉक्सो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, अपने नए फीचर्स लाने के लिए जाना जाता है, एंड हम हमेशा से ही कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए दी बेस्ट ला पाएं।
आपको एक और चीज बता देते हैं, यहाँ स्ट्रैटेजी वाइज, जैसे ये जो मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी, मैंने एक डिफॉल्ट नाम पे ना ये सारी स्ट्रैटेजीज फायर की, करीब आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 11, ठीक है ना, 11 स्ट्रैटेजीज डिफॉल्ट नाम से फायर है। अब होता क्या था कि कई बार हमें मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस ना तो वैल्यू पे डिफाइन कर दे कि मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो तो निकल जाओ, 50,000 का लॉस हो तो निकल जाओ। दूसरी चीज हमने क्या कर दी है यूजर रिक्वेस्ट पे कि जहां पे ट्रेड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपकी 36,3,66,3,678, ओके, और आपने अगर कह दिया 1% 2% आप डालना चाहते कि भाई मेरी ट्रेड वैल्यू का ना 2% मेरा रिस्क फैक्टर है, तो आप वो अगर डिफाइन कर देंगे, या आपने 1% ले लिया मान लीजिए, तो वो आप जैसे ही डिफाइन कर देंगे वो वहां पे उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज को भी कंसिडर कर लेगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पे देखने मिल जाता है, तो आइदर इन न्यूमरिक वैल्यू या आप परसेंटेज, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने ये परसेंटेज भी, मैक्स प्रॉफिट भी 1% पे डाल देते हैं, एक्चुअली 1% ज़्यादा है इस वक्त के लिए, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना बी हैंडलिंग, तो मैं इसे 1 लाख रुपये कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज ट्रेड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है हमारी, तो वी विल हैव टू गेट सम मोर प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं कि वन क्लिक पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो चुका है, मेरे सारे पोर्टफोलियोज अब स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका स्टेटस कंप्लीट आ गया, सारे एक साथ रुक गए। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो स्टॉक्सो आपको प्रोवाइड करता है, आपके कितने भी पोर्टफोलियोज हों। हमारे कई ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो 100-100 पोर्टफोलियोज बना के काम करते हैं, इनफैक्ट कुछ तो हमने ऐसे नंबर्स देखे हैं कि जहाँ पे हद ही पार हो जाती हैं आपकी सोच से ज़्यादा, ठीक है। तो मल्टी लेग मॉड्यूल में अब एक और चीज़ होती है कि मान लीजिए अब अगर मैं इसे रीसेट करके फिर से फायर करने की कोशिश भी करूँ तो वो फेल आएगा। कारण ये है कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ मैंने स्ट्रैटेजी का फायर कर दिया है, तो अब स्टॉक्सो ट्रेड नहीं लेगा। बट आप फिर भी चाहते हैं ट्रेड करना, तो आपको तरीका बता देते हैं कि आप स्ट्रैटेजी स्टैक में आ जाएंगे, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस की जो वैल्यू है या तो हटा दीजिए या मॉडिफाई कर दीजिए जो आपकी करंट वैल्यू है। दूसरा स्टेप, आप स्टॉप ट्रेडिंग एंड स्टार्ट ट्रेडिंग क्लिक कर देंगे जिससे आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, अब मैं फिर से फायर कर रहा हूँ, तो देखिए वन क्लिक पे मेरे एग्जीक्यूशन फायर हो चुके हैं। तो दैट इज़ दी एडवांटेज जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो आपके 100 पोर्टफोलियोज भी हैं और आप उसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस सेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं, एंड उसको रिवाइवल यानी वापस से अगर एंटर होना चाहते हैं तो वैल्यू चेंज करनी है एंड स्टॉप ट्रेडिंग एंड स्टार्ट ट्रेडिंग को क्लिक करना है, या फिर स्टॉक्सो को रीस्टार्ट कर दीजिए और वैल्यूज चेंज कर लीजिए, ठीक है ना, दो तरीके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे एफर्ट्स, ये सारे एक्सप्लेनेशंस और ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का क्लबिंग मॉड्यूल मजा आएगा, इस्तेमाल करके देखिए, यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन स्टॉक्सो, एंड थैंक यू टू द मेंबर्स हु वर कंसर्न्ड कि कुछ 2-1 हफ्ते में हमारे वीडियोस नहीं आए, तो मुझे पर्सनली भी काफ़ी मैसेजेस आए, ईमेल्स आई कि वेदर आई एम डूइंग वेल और नॉट। आई एम एब्सोल्युटली डूइंग वेरी फाइन एंड वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स गेटिंग अ बेटर सिस्टम देन बिफोर एवरी डे एवरी मिनट टू आर लवली स्टॉक्सो यूजर्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस।